हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रिंग थ्योरी के सेवंथ लेक्चर पर। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी स्टूडेंट्स इंटीग्रल डोमेन पर आधारित। आज रिंग थ्योरी या वल्ले सिद्धांत की इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम पर। ठीक है स्टूडेंट्स, फील्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, इंटीग्रल डोमेन की परिभाषा हमने पढ़ ली है। आज मैं पहले आपको विषम क्षेत्र या विभाग वल्ले की डेफिनेशन बताती हूँ। स्क्यू फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको स्क्यू फील्ड की डेफिनेशन बताती हूँ। स्क्यू फील्ड हमने फील्ड पढ़ा है, स्क्यू फील्ड या विषम क्षेत्र या फिर विभाग क्षेत्र क्या कहलाता है स्टूडेंट। कोई भी रिंग आर जो है वो स्क्यू फील्ड कहलाता है यदि आर क्या हो, आर तत्समकी वल्ले हो, रिंग विद यूनिटी हो और आर में प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो कंडीशन होती है हमारी स्क्यू फील्ड के लिए। और फील्ड के लिए कितनी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, फील्ड के लिए तीन कंडीशन होती है, आर तत्समकी वल्ले हो, आर क्रम विनिमय वल्ले हो और आर क्या हो शून्य भाजको रहित नहीं, आर में प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक क्षेत्र है वो विषम क्षेत्र हो सकता है परंतु विषम क्षेत्र है वो क्षेत्र नहीं हो सकता। ये स्क्यू फील्ड की डेफिनेशन है हमारी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एन इंटू एन कोटि के मैट्रिसेस का जो समुच्चय होता है, एन इंटू एन कोटि के मैट्रिसेस का समुच्चय जो है वो प्लस और गुणा के लिए क्या होता है स्टूडेंट, ये प्लस और गुणा के लिए विभाग क्षेत्र होता है, विषम क्षेत्र होता है, स्क्यू फील्ड होता है परंतु क्षेत्र नहीं होता क्योंकि मैट्रिसेस गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है। एन इंटू एन कोटि के मैट्रिसेस का जो समुच्चय है वो क्या होता है, विभाग क्षेत्र होता है परंतु फील्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैट्रिसेस गुणा क्रम विनिमय नहीं होता। ये प्रॉपर्टी हमने ट्वेल्थ में भी देखी है, फर्स्ट ईयर में भी देखी है और सेकेंड ईयर में भी देख रहे हैं। मैट्रिसेस गुणा क्या नहीं होता, क्रम विनिमय नहीं होता। और फील्ड के लिए तीन कंडीशन होती है, तत्समकी वल्ले, क्रम विनिमय और शून्य के भाजको रहित। ठीक है स्टूडेंट, ये होगी हमारी स्क्यू फील्ड की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट। अब हम जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वाला देखेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, मतलब है पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र में संबंध पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम पर। इसमें स्टूडेंट सात थ्योरम है, सातों की सातों इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। थ्योरम 1.1 जो स्टूडेंट्स वहां पे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज दे रखी है, उनके अलावा छह थ्योरम बचती है वो आपको क्लियर करनी है। तो यहाँ से क्या, रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र में संबंध पर आधारित थ्योरम। तो थ्योरम है आज हमारी 1.4। ठीक है स्टूडेंट, 1.4 थ्योरम है। लास्ट लेक्चर में हमने फील्ड पढ़ा था, फील्ड के बाद हमने एकक यूनिट एलिमेंट देखा था, फिर हमने विषम क्षेत्र देख लिया। अब हमारी जो थ्योरम है वो है रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र पर आधारित। पूर्णांकीय प्रांत की कंडीशन क्षेत्र की कंडीशन के सिमिलर होती है परंतु इनमें एक डिफरेंस होता है दोनों में कि प्रत्येक, पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि एवरी फील्ड इज नेसेसरीली क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो है प्रत्येक क्षेत्र अनिवार्यतः डोमेन होता है, अनिवार्य ये अनिवार्यतः प्रांत होता है, प्रांत होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, विलोम सत्य नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास फील्ड और पूर्णांकीय प्रांत की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, फील्ड जो होता है स्टूडेंट्स उसमें तीन कंडीशन होती है कि कोई भी रिंग आर है वो फील्ड कब कहलाता है, जब आर क्या हो, तत्समकी वल्ले हो, रिंग विद यूनिटी हो, मतलब आर में आइडेंटिटी एलिमेंट वन होना चाहिए, गुणा का आइडेंटिटी अवयव आर जो है वो क्रम विनिमय होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए के। और थर्ड कंडीशन होती है कि रिंग में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है, जैसे ए कोई नॉन जीरो अवयव है रिंग का, तो ए इसका गुणात्मक प्रतिलोम ए इनवर्स
देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, तो ए गुणा ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी ए इनवर्स इनटू ए, ये कंडीशन होती है हमारे पास फील्ड की, ठीक है स्टूडेंट्स। और पूर्णांक विपरांक की कंडीशन होती है कि कोई भी रिंग दे रखा हो वो इंटीग्रल डोमेन कब कहलाता है स्टूडेंट्स, जब उसमें आइडेंटिटी हो। मतलब पहली कंडीशन है कि आर जो है वो रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है हमारी आर क्या होना चाहिए कर्म विनिमय वल्य होना चाहिए, थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स कि आर जो है वो शून्य के बाजू को रहित होगा, अर्थात थर्ड कंडीशन है ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जीरो, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर जीरो या फिर बी बराबर जीरो, एक जीरो होना चाहिए, ये वाला हमारा फील्ड होता है। अब हमारी जो थ्योरम है स्टूडेंट्स वो थ्योरम क्या है, इसने कहा है कि फील्ड है वो डोमेन होता है, ये हमें सिद्ध करना है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं, तो हम फील्ड की कंडीशन सत्य मानेंगे और इंटीग्रल डोमेन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रल डोमेन हम सिद्ध करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रूफ देखिए इसका क्या मान लेंगे, मानना एफ क्या स्टूडेंट्स एक फील्ड है और इंटीग्रल डोमेन हमें क्या करना है, मानना वल्ले आर जो है वो क्या एक क्षेत्र है, यहां पे लिख लेंगे मानना वल्ले आर क्या स्टूडेंट्स एक क्षेत्र है। अतः इधर लिखें परिभाषा लिखें, अतः आर तत्सम की कर्म विनिमय एवं शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित ने स्टूडेंट थर्ड कंडीशन होती है कि फील्ड में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का आर तत्सम की कर्म विनिमय एवं आर में प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है, होता है स्टूडेंट, ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसकी थर्ड तत्सम की और कर्म विनिमय में तो डोमेन भी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन जो हमारे काम में आती है वो थर्ड कंडीशन काम में आती है, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे अर्थात प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट, प्रत्येक जो भी नॉन जीरो अवयव है आर में, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट जो आर में है, देन तब वहां विद्यमान होगा इसका प्रतिलोम ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, तो ए गुणा ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुणा ए बराबर आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट। इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन प्रूव दैट यहाँ पे सिद्ध करेंगे, देन प्रूव दैट आर शून्य भाजकों रहित है अर्थात क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, अर्थात ए क्रॉस अर्थात दो एलिमेंट है ए और बी बिलोंग कर रहे हैं कहां से, आर से, एक को हमने नॉन जीरो लिया है नॉन जीरो एलिमेंट आर का, तो ए क्रॉस बी बराबर जीरो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, ए बराबर जीरो या फिर बी बराबर जीरो, तो ए नॉन जीरो जिसका मतलब ए नॉन जीरो तो बी बराबर जीरो, ये होती है किसकी विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन ही हमें क्या करनी है स्टूडेंट सिद्ध करनी है, ये वाला हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करते ही हमारा आर क्या हो जाएगा शून्य पूर्णांक विपरांक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तत्सम की है कर्म विनिमय और शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन हमें क्या करनी है स्टूडेंट लेके आनी है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे ये सिद्ध करना है, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन हम लेके चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से क्या मान लेंगे, मानना ए क्रॉस बी बराबर जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि फील्ड में प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, ए क्या स्टूडेंट्स नॉन जीरो अवयव है, ए नॉन जीरो एलिमेंट है बिलोंग्स टू आर, देन देयर एग्जिस्ट समीकरण नंबर दो मान लिया, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, तो ये भी किसका एलिमेंट है स्टूडेंट रिंग का एलिमेंट है, और रिंग के मतलब ए गुणा बी है, जैसे ए का मान दो है और बी का मान तीन है, तो दो गुणा तीन छह हो गया, वो भी छह भी रिंग का एलिमेंट हो गया, तो फिर दोनों को गुणा करेंगे तो वो भी नया एलिमेंट बनेगा, वो रिंग का भी होगा स्टूडेंट, तो ए इनवर्स का समीकरण दो के दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ए इनवर्स गुणा ए गुणा बी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो, रिंग का ही एलिमेंट है, प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ए जीरो बराबर जीरो ए बराबर जीरो होती है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी थ्योरम 1.1 में छोटी छोटी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। अब यहां से
साचरेता गुणधर्म है। साचरेता गुणधर्म सत्य होता है किसके लिए? रिंग के लिए, क्योंकि ये पहले क्या है, रिंग है, रिंग में सेकंड कंडीशन है सामी ग्रुप होना चाहिए, तो वहां पे साचरेता गुणधर्म सेटिस्फाई होगा। तो ए इनवर्स इन दोनों के एक साथ लिख लेंगे, ए इनवर्स इनटू ए गुणा बी बराबर यहां से जीरो आ जाएगा क्योंकि ये रिंग का एलिमेंट है, तो यहां से इसका मान आ गया ए इनटू बी बराबर जीरो। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी को किसी भी अवयव से गुणा करेंगे तो वही एलिमेंट मिलता है, तो इसका मतलब है यहां से बी बराबर जीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ गई, हम लेके चले थे ए क्रॉस बी बराबर जीरो, जहां ए क्या था, ए नॉन जीरो एलिमेंट रिंग का, दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी बराबर जीरो, अतः हमारे पास आ गया बी बराबर जीरो। या कंडीशन आ गई ए क्रॉस बी बराबर जीरो, जहां क्या है, ए नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का, परंतु ए बी बराबर क्या है जीरो, मतलब एक एलिमेंट जीरो है तभी दो का गुणा जीरो है। ये स्टूडेंट दो का गुणा जीरो है, एक नॉन जीरो तो दूसरा क्या है जीरो है, अतः आर क्या हो गया शून्य भाजको रहित। यहाँ पे लिखेंगे अतः आर शून्य भाजको रहित है, शून्य भाजको रहित है, क्योंकि आर तत्सम की कर्म विनिमय शून्य भाजको रहित है, अतः आर क्या होगा, अतः आर पूर्णांकीय प्रांत होगा। स्टूडेंट्स फील्ड हम लेके चले थे, पूर्णांकीय प्रांत हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, तो यहाँ पे जो अनिवार्य कंडीशन है वो तो हमारी क्या होगी सत्य होगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र है वो अनिवार्यता क्या होता है प्रांत होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने कोई एक विलोम में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, जैसे हम इसका विलोम है, विलोम क्या मान लिया, पूर्णांकीय प्रांत हमें लेना है कि वो फील्ड होता है या नहीं होता वो हमें देखना है। तो क्या स्टूडेंट्स, जड जो है वो प्लस और गुणा के लिए क्या होता है पूर्णांकीय प्रांत होता है, क्योंकि जड में एलिमेंट होते हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ये वाले एलिमेंट होते हैं जड में, प्लस और गुणा के लिए क्या है एक है? ये हमारे पास एक पूर्णांकीय प्रांत, प्लस और गुणा के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत है स्टूडेंट्स, क्योंकि वन है तो तत्सम की वल्य संख्याओं का गुणा कर्म विनिमय होता है, तो इसका मतलब ये कर्म विनिमय वल्य। थर्ड कंडीशन होती है दो एलिमेंट का जीरो तभी जब पहला एलिमेंट जीरो, तो इसके किसी भी एलिमेंट को आप गुणा करो जीरो से तभी जीरो आएगा वरना जीरो नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये पूर्णांकीय प्रांत है परंतु क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। प्रतिलोम की कंडीशन होती है कि कोई भी एक एलिमेंट उसको ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करो कि उसका गुणात्मक तत्समक आ जाए, तो वन को वन से गुणा करोगे तभी वन, माइनस वन को माइनस वन से गुणा करोगे तभी, और कोई भी एलिमेंट ऐसा है नहीं कि जिसको उसके प्रतिलोम से गुणा करें, इसका मतलब प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का इसमें गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, अतः यह क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वन का प्रतिलोम वन माइनस वन का माइनस वन होता है, बस दो का ही प्रतिलोम होता है, उनके अलावा किसी भी एलिमेंट का इसमें क्या नहीं है प्रतिलोम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जड़ में प्लस माइनस वन तथा वन के अलावा किसी भी अशून्य अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, अतः जड़ एक क्षेत्र नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक पॉइंट चार पेपर में पूछी जाती है, तो आपको करनी है, छोटी सी थ्योरम है, इजी सी थ्योरम है, अगर आपको इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की डेफिनेशन आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था यूनिट एलिमेंट, अब यूनिट एलिमेंट पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम 1.5 पे। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसकी एक थ्योरम और रहती है 1.6 और 1.7, दो थ्योरम और रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे।